एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। सो आज मैं इतनी एक्साइटेड और खुश क्यों हूँ वो मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी। और आज हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, सो कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। जब मैं वहाँ पे पहुँचूंगी तब मैं आप लोग को बताऊंगी। और यहाँ पे मैं अपना पूरी तरीके से रेडी हो चुकी हूँ। मैंने अपना ग्रीन टॉप पहना है, ये टाई डाई वाला स्कार्फ पहना है, एंड वॉच पहनी है मेरी, एंड रिंग। एंड अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और मेरा पैकिंग भी हो चुकी है सब कुछ। और पैकिंग से आप लोग थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो हम लोग कहाँ जा रहे हैं। सो अभी चलते हैं वहाँ पे, फिर मैं आप लोग को वहाँ से कंटिन्यू करवाती हूँ। सो गाइस, मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे और यहाँ आप मेरा व्यू देख सकते हो पीछे का, वो मैं आपको पूरी तरीके से दिखा देती हूँ। और पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि मैं किधर आई हूँ। मैं आई हूँ गाँव चांदूर आई हूँ मैं। सो हम लोग यहाँ पे थोड़े दिन रुकने वाले हैं, यहाँ से मेरी नानी के यहाँ पे जाएंगे हम लोग। सो यहाँ का आपको मैं यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। यहाँ का व्यू इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना गाइस। और गाइस मैं अभी अपने टेरिस पे हूँ इसलिए यहाँ पे से अच्छा व्यू आता है। चलो व्यू दिखा देती हूँ आपको। ये है व्यू और वहाँ से ट्रेन भी जाती है, आप लोग को दिख रही होगी येल्लो कलर की ट्रेन जा रही है। ट्रेन जाती भी है वहाँ से क्योंकि पटरी है वहाँ पर। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग का घर में ये इतना बड़ा बादाम का झाड़ है जिसमें ना अभी तो बादाम फ़िलहाल बहुत ग्रीन ग्रीन है, वैसे तो रेड रेड वाले लगते हैं अच्छे पके हुए। एंड ये उधर पे खेत है, नदी है, वहाँ पे ट्रैक्टर धोने भी आते हैं सब लोग नदी में। अपना पूरा व्यू यहाँ का बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आता है गाइस। एक्चुअली अभी सुबह का टाइम है इसलिए इतना वो नहीं दिख रहा, लेकिन जब धूप निकलती है ना। एंड गाइस ये हम लोग का टेरिस है इस तरीके का, देख सकते हो। और यहाँ पे आती है एक मस्जिद जिसका गुंबद माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारा बना है, देख सकते हो बहुत बड़ी मस्जिद है। एंड गाइस यहाँ पे मतलब बहुत ब्यूटीफुल लगती है मस्जिद यहाँ पे से। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हो क्लाउड भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। आप लोग को एक बात बताना तो भूल ही गए, यहाँ पे ना मतलब मुंबई में तो आप देखोगे ना, मुंबई में इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, वहाँ पे तो बिना चप्पल पहने चल नहीं सकते नंगे पर, नहीं तो पैर जल जाएंगे। और यहाँ पे तो आज इतनी बारिश हुई है ना गाइस, रात से बारिश हो रही है यहाँ पे। अभी सुबह थोड़ी सी रुकी है बारिश और अभी धूप निकली नहीं है अभी तो सुबह का टाइम है, और इतनी बारिश हुई ना गाइस यहाँ पे, तो इतना ठंडा है यहाँ पे भी बिना चप्पल के नहीं चल सकते क्योंकि यहाँ पे इतना ठंडा है, इतना ज़्यादा है ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। अभी तो थोड़ा क्लाइमेट चेंज हुआ है, अभी थोड़ा सा नॉर्मल है, लेकिन ये टाइम पे मुंबई में ना धूप बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ पर बिना चप्पल के निकल नहीं सकते क्योंकि इतनी गर्मी है ना गाइस, वहाँ पर ब्लैक कपड़ा तो पहन के निकल ही नहीं सकते धूप में। एंड यहाँ पे इतनी ठंडी है घर से निकलने का दिल ही नहीं करता है। ट्रेन में भी बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी गाइस हम लोग को। गाइस आप लोग को मैंने स्टेशन का व्यू नहीं दिखाया था, ट्रेन का भी कुछ नहीं दिखाया था बिकॉज मेरी अभी थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है, आप लोग को मेरी आवाज़ थोड़ा सा लग रहा होगा। तो मैं स्टेशन पे हम लोग पहुँचे, हम लोग ने सब सामान सेट किया ट्रेन में जाके, और मैं ट्रेन में जाके सो गई थी मैं जाके। फिर अब मैं जब सुबह उठी तो हम लोग का स्टेशन आ चुका था, सो हम लोग आ गए। तो मैंने वो सब नहीं लिया था बिकॉज मेरी तबीयत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, और मेरी जो दवा है ना उसको खाने के बाद मेरी ना मतलब मैं सोने का दिल करता है उसको, इसलिए मैं सो गई थी दवा खाने के बाद, तो इसलिए मैं आप लोग को नहीं दिखाया था, लेकिन सॉरी उसके लिए। लेकिन अभी ये सब तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और हम लोग यहाँ पे आए ना, मैंने थोड़ा सा चाय और बटर खा लिया था बस उसमें ही। हम लोग ने तो सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे बारिश होगी, यहाँ पे इतना ठंडा ठंडा मौसम लग रहा है, और मुंबई में तो अभी बहुत सारी गर्मी है, यहाँ पे अभी बारिश हो रही है, ठंडा ठंडा मौसम, पूरा मौसम चेंज हो गया। अभी मैंने ऊपर आप लोग को टेरिस का व्यू दिखाया था, अब यहाँ पे पूरा अंधेरा हो गया है, और पूरा उस साइड में खेत के साइड में पूरे भी कोरा कोरा हो गए, तो वहाँ का तो पूरा व्यू ख़राब हो गया है इसकी वजह से। लेकिन मैंने अभी जो ऊपर से दिखाया था वो पूरा क्लियर दिखता है, वहाँ से ट्रेन जाती है, अभी वहाँ पर भी एकदम ब्लर हो गया है। तो अभी यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, और अभी हम लोग इसको इन्जॉय करेंगे, और जब मैं अभी खाना खाने जाऊंगी तो वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और यहाँ गांव में अभी बारिश हो रही है, मैं आप लोग को बारिश दिखा देती हूँ एक बार। ये देखो यहाँ पे बारिश हो रही है, इतनी फास्ट हो रही है बट कैमरे में इतने अच्छे से दिख रही नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड में हो रही है। देखो आप यहाँ से पानी भी बह रहा है इस पे से।
हो खा के हो चुका है और मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो चुकी थी, तो मैंने उसको चार्जिंग पे लगा दिया था, तो मैं अपना खाने का वीडियो नहीं शूट कर पाई। और यहाँ पे मैं अभी अपने टेरिस पे आ चुकी हूँ। एंड गाइस मैंने खाने में मटन का सालन और रोटी खाया था। एंड गाइस मैं आप लोग को ना एक सीन दिखाना चाहती हूँ, मतलब कि अभी सुबह ना मैंने आप लोग को व्यू दिखाया था, सो व्यू इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। फिर उसके बाद में बारिश हुई, वो भी आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन अभी एक और बार बारिश हुई थी। और अभी यहाँ का माहौल, अभी यहाँ पे ना 3:30 बजे 3:30 हो रहे हैं। कल बारिश हुई भी ना तो शायद आप लोगों को कल के व्लॉग में कुछ न्यू देखने को मिल जाए, कल कुछ न्यू हो सकता है। एंड अभी तो जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा दी हूँ कि अभी बहुत तेज़ हवा चल रही थी यहाँ पे, और मेरी आवाज़ भी आपको ठीक से नहीं आ रही होगी बिकॉज हवा भी चल रही है यहाँ पे। और अभी तो मैं यहाँ पे ही स्टॉप करती हूँ उसको। अभी हम लोग अभी ना डैम पे नदी पे जा रहे हैं। अभी सडनली हम लोग का प्लान बना है, सो वहीं पे जा रहे हैं गाइस। यहाँ का रास्ता बहुत ज़्यादा स्लीपी है, मैं आपको गाइस बहुत ज़्यादा खतरनाक, बहुत फास्ट स्टेप करने पड़ रहे। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे नदी पे। ब्रिज का व्यू बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आता है। और अभी मैं आप लोग को यहाँ का व्यू दिखा रही हूँ। तो ये नदी है, लेकिन अभी ये समर सीज़न चल रहा है तो उसकी वजह से ना पूरी सूख चुकी है। तो यहाँ पे बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और यहाँ पे भी सब लोग गेम खेल रहे हैं अपना। और ये अपना ब्रिज है, चलो ब्रिज पर चल के मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ब्रिज पर आ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ट्रैक्टर भी जा रहा है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा पानी तो है नदी में, आपको मैं दिखा देती हूँ इस साइड में। एंड गाइस यहाँ पे भी बहुत ज्यादा हवा चल रही है, देख सकते हो पूरा तो सूखा है, बाकी यहीं पे थोड़ा सा पानी। और यहाँ पे भी मतलब ब्रिज तो अभी पूरा खाली है, इस साइड में ही पानी है, इस साइड में बहुत कम है, शायद है भी नहीं। हाँ गाइस उधर पे है थोड़ा सा। एंड गाइस यहाँ पे हवा चल रही है, तो पूरी तरीके से सूख चुकी है, देख सकते हो कितना कचरा है यहाँ पे, सूख गए। नहीं तो गाइस ये ना बहुत ज़्यादा भरी रहती है। अभी वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा पानी है सिर्फ, और वहाँ पे बाकी उधर पे सूख चुके, तो उधर पे बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और यहाँ से ट्रैक्टर ये सब जाता है। फिर यह ब्रिज है, बहुत ज़्यादा मस्त ब्रिज है गाइस। यहाँ पे अभी हवा चल रही है बहुत, मुझे तो ये ठंडी ठंडी हवा खा के बस मज़ा आ रही है, और गाँव की हवा का तो मज़ा ही अलग है। और अभी गर्मियों के मौसम में कोई बोल सकता है कि यहाँ पे इतना मतलब बारिश जैसा मौसम लग रहा है पूरा? आप देख सकते हो मेरे पीछे पूरी नदी सूखी है, और यहाँ पे है सिर्फ पानी थोड़ा सा, बस यहीं पे और तो कोई नहीं है। और यहाँ पे ना रेट पे हम लोग के लिए है, कोई गाड़ी नहीं, कोई इस साइड भी नहीं, कहीं भी नहीं। और अभी हवा चल रही है, और मतलब हम लोग का सडनली प्लान बन गया कि चलो डैम पे ही चलते, नदी पे चलते। एंड
क्या पता आप लोगों को कल एक और न्यू व्लॉग मिल जाए एकदम न्यू। सो मुझे तो बहुत मज़ा आ रही है ये सब व्यू लेके। सो अभी हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गाइस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं बिकॉज मुझे व्लॉग स्टार्ट करना पड़ रहा है शाम से पहले, 3:30 हो रहे हैं अभी। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं बिकॉज गाइस यहाँ पे बारिश हो रही है और हम लोग को निकलना ही पड़ेगा क्योंकि अगर हम लोग गलती से बारिश में भीग गए तो अच्छा नहीं होगा। एंड गाइस यहाँ पे आपको मैं दिखा सकती हूँ अभी बारिश हो रही है एंड अभी हम लोग घर के लिए निकल जा रहे हैं बिकॉज गाइस यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई। तूफान आया था कि पूरा झाड़ सब कुछ बिखर चुका है, झाड़ भी गिर चुके, बड़े बड़े झाड़ गिर गए एकदम, सब कुछ बिखर चुका है। बहुत ज़्यादा तूफान आ गया था गाइस वहाँ पे। गाइस आप बारिश की वजह से देख सकते हो, बारिश की वजह से नदी कितनी भर गई है, एकदम बह रही है, बहुत सारा पानी हो गया था नदी में बारिश। गाइस आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना, ये वाला व्लॉग आपको कैसा लगा वो भी कमेंट में बताना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना, तब मेरी वीडियोज़ को शेयर भी करना। और आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।